आई बीएसएम ज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आपने दीपावली को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया होगा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस, और आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में छोटे छोटे शब्दों को हमने पढ़ा था, और आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में बड़े सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे। कैसे? नॉर्मल सेंटेंस हो गया, बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस हम लोग बनाने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस इसमें बनाएंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में कौन सा टेंस बाबू पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट में अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, आज थोड़े बड़े सेंटेंस की तरफ हम लोग पढ़ेंगे और बनाना सीखेंगे। चलिए इसमें रूल नंबर फर्स्ट पढ़िए, रूल नंबर सेकंड पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, और इसके बाद लिखेंगे डू या डस लगाएंगे, डू या डस लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। इसके बाद सेंटेंस में लगाएंगे लाइक, और इसके बाद सेंटेंस में लिखेंगे बिफोर। लाइक के बाद लिखेंगे बिफोर डू का पता है डू किसके साथ लगाते हैं, तो डू लगाते हैं आई बी दे यू, और डस लगाते हैं हम लोग ई सी इट नेम के साथ, के साथ हम लोग लगाते हैं डच। अब सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, किस तरह के हिंदी सेंटेंस बनेंगे? चलिए एग्जांपल में देखिएगा, सेंटेंस होगा मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। और हम लोग बनाएंगे I do not like playing, मैंने बुलाए before लगेगा, स्ट्रक्चर लिखा हुआ before, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं। चलिए और बोलेंगे उसे घूमना पसंद नहीं, उसे घूमना पसंद नहीं है, उसे घूमना पसंद नहीं है। और इसे बनाएंगे ही डज नॉट लाइक वॉकिंग, ही डज नॉट लाइक वॉकिंग। चलिए ये सेंटेंस रहा, दूसरा स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे खेलना पसंद नहीं है, मुझे घूमना पसंद नहीं है, मुझे दौड़ना पसंद नहीं है, मुझे फाड़ना पसंद नहीं है। इस तरह के जितने सेंटेंस होंगे इसी तरह के सेंटेंस बनाते हैं, बनाइए इसको जल्दी लिखिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए इरेज करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए जिस तरह के भी सेंटेंस होंगे आप बनाएंगे और कमेंट करेंगे, कोई भी सेंटेंस का दिक्कत हो रहा है किसी भी तरह के सेंटेंस का आप पूछ सकते हैं, हिंदी में चाहे कैसे भी सेंटेंस हो आप पूछ सकते हैं। चलिए निगेटिव में और भी एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 3 देखते हैं, रूल नंबर 3। इसमें आएंगे सब्जेक्ट, डू टच प्लस नॉट प्लस बी वन और प्लस सब्जेक्ट लगाइए। डू टच का यूज बता दिए कहां लगेगा, एग्जाम्पल में वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, क्या बनेंगे सी डज नॉट रीड, सी डज नॉट रीड। थोड़ा सेंटेंस को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, जैसे मैं खेलता नहीं हूं, इस सेंटेंस के मूड में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, इस सेंटेंस के मूड में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिंदास रहेगा सेंटेंस वैसे ही। आई डू नॉट प्ले,
जीत नहीं जाती है, वो खेलती नहीं है, वो पार्टी नहीं है, सोती नहीं है, मैं जाता नहीं हूँ, वो आती नहीं है, इस तरह जितने संकेत होंगे सभी बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह। चलिए जीती है जल्दी हारी आप। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए डिवेज करते हैं। अब इसमें कुछ और भी सेंटेंस आते हैं, और भी सेंटेंस आते हैं जिसमें डूडल्स लगा के सेंटेंसों को बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, बहुत ही शानदार सेंटेंस। और वो सेंटेंस कैसे बखूब लिखा जाए वो नंबर फोर में अगर आप देखेंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव, और यहां पे नाउन लगाएंगे। अब मान लीजिए संडेज हुआ एग्जाम्पल में, मुझे दोस्त है ही नहीं। अब ये थोड़ा यूनिक संडेज, मुझे दोस्त है ही नहीं तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट हैव फ्रेंड, आई डू नॉट हैव फ्रेंड। चलिए दूसरा सेंटेंस बोलते हैं कि उसके पास पैसे हैं ही नहीं, उसके पास पैसे हैं ही नहीं। इसमें लिखेंगे ही does not have money। अब इसमें थोड़ा सा देख लें, मान लीजिए कि सेंटेंस आजकल फेस्टिवल का टाइम है, फेस्टिवल चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कपड़े ही नहीं होंगे, बहुत सारे लोग, तो वो लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वो लोग सेंटेंस लिखेंगे क्या लिखेंगे कि मेरे पास कपड़े है ही नहीं। इसको प्लीज आप बनाएंगे और कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी लीजिए हरी अब, मेक इट फेस्ट, ये स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। होप आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और भी। रूल नंबर फाइव देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में वो सभी स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हम पढ़ सकते हैं, विच वी कैन रीड। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर फाइव। चलिए रूल नंबर फाइव में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे डू या डज प्लस नॉट डज। इस पर नो लगाई, ऑब्जेक्ट लगाई और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में जोड़िए एट ऑल। लास्ट में क्या करना है, एट ऑल। एग्जाम्पल में देखिए सेंटेंस बहुत ही शानदार बनने जा रहे हैं और सेंटेंस लिखे मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता हूं। तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट नो यू एट ऑल। सेंटेंस लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एट ऑल। चलिए आप बनाएंगे इस संदेश को, वह मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती है, वह मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती है। तीसरा संदेश आप ही बनाएंगे, मुझे
मुझे की जगह सबसे अच्छा रहेगा लिखिए मेरे पास, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। और आखिरी संदेश आप बना के कमेंट करेंगे फोन नंबर संदेश, इसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, इसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, बस सिर्फ कहता है कि दिमाग है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल दिमाग, उसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। और ये आप बना के कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, लिखिए जल्दी। आई होप आपने लिख लिया होगा, इसको बनाएंगे आप, फुल ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट करेंगे। चलिए इरेज करते हैं इसको, और अब बात आती है हम लोग की किसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में लिखेंगे बाबू, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो टेंस है प्रेजेंट इन डेफिनिट, प्रेजेंट इन डेफिनिट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे डू या डच, रोल नंबर फर्स्ट लिखेंगे डू या डच, प्लस सब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे वी वन और प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर दें। सिंपल सा सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे क्या आप, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं, तो क्या बनेंगे, चलिए बनाते हैं पहले डू, इसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या है वर्ब लगाएंगे नो। अब थोड़ा सा इसमें के बारे में, क्योंकि तो के बारे में के लिए लगाते हैं अबाउट, और किसके बारे में मेरे बारे में मी, लास्ट में क्वेश्चन, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं, अगला सेंटेंस आप बनाएंगे क्या आप उसे पहचानते हैं, तीसरा सेंटेंस आप बनाएंगे क्या आपको मालूम है, चलिए अगर लिखा हो सेंटेंस में क्या आपको मालूम है, क्या आपको पता है या क्या आप जानते हैं, तो सबका इंग्लिश एक ही होता है, मालूम होना पता होना और जानना सबको एक ही बोलते हैं, क्या नो बोलते हैं, नो मीन्स होता है मालूम होना पता होना जानना। चलिए इसको लिखिए और आप बनाइए और कमेंट जरूर करें। करते हैं रूल नंबर टू, इसमें देखते हैं रूल नंबर टू पढ़ते हैं इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में,
देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलिए चलिए आगे रूल नंबर टू में देखते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं इंट्रोगेटिव चूंकि पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे डू या डज, प्लस वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे लाइक और लाइक के साथ जोड़ेंगे बिफोर और लास्ट में क्वेश्चन जोड़ेंगे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और लिखेंगे एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर क्या आपको खेलना पसंद है, क्या आपको खेलना पसंद है, क्या आपको खेलना पसंद है। सेंटेंस बनाते हैं डू सब्जेक्ट है आपको यू इसके बाद लिखना लाइक और लास्ट में क्या है पसंद तो पसंद का खेलना लाइक हो गया और खेलना खेलना का इंग्लिश क्या होगा प्लेइंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आप करेंगे और कमेंट करेंगे क्या उसे पबजी खेलना पसंद है। आप चलिए पबजी लिख देते हैं पबजी क्या आपको पबजी खेलना पसंद है। क्या राम को दौड़ना पसंद है, क्या राम को दौड़ना पसंद है। चलिए लिखिएगा बनाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप बनाएंगे कमेंट करें अपने एडवाइस दें। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यहीं पे ब्रेक करते हैं यहीं पे रोकते हैं और आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव का लास्ट हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं WH how sentence जिसको हम बोलते हैं WH how sentence इसमें present indefinite में WH how sentence WH how sentence को रूल नंबर फर्स्ट में सबसे ही पहले लिखते हैं WH how प्लस लिखते हैं do या does और do does के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम लोग वी वन और ऑब्जेक्ट और लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल चलिए आपको मेरे बारे में आपको मेरे बारे में क्या मालूम है, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या लगा हुआ है तो क्या लगा हुआ है तो लिखेंगे व्हाट इसके बाद व्हाट आपको है तो इसके साथ क्या लगेगा डू लगेगा व्हाट डू आपको यू और मालूम होना क्या आपको बता चुका हूं नो और के बारे में के लिए मैं बता दिया है अबाउट लगाता है तो लिखेंगे व्हाट यू नो अबाउट और मेरे बारे में मी। चलिए दूसरा सेंटेंस आप बनाएंगे तीसरा सेंटेंस आप बनाएंगे आप प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाते हैं,
यह आपका होमवर्क है, बना के लीजिएगा। तीसरा, वे लोग कहाँ रहते हैं और लास्ट सेंटेंस है वह क्या करती है। चलिए इसको सेंटेंस को बना लीजिएगा और हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर दिस, थैंक यू।